कि ओवैसी के चार विधायक आरजेडी में शामिल होने से बिहार का राजनीतिक समीकरण में क्या असर हो सकता है? देखिए, बिहार की राजनीति को अगर देखेंगे तो बाकी अन्य राज्यों की राजनीति से सदा भिन्न रही। अगर मुकेश सहनी की पार्टी को तोड़कर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भर रही थी, तो अभी कुछ ही महीने बाद जो है मुकेश सहनी को इतराते देखा गया कि बीजेपी जो दम भर रही थी कि सबसे बड़ी पार्टी वह है, तो अब वह बड़ी पार्टी नहीं रही, अब बड़ी पार्टी बन गई है आरजेडी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में मैंने क्या खोया उससे ज्यादा अगले ने क्या खोया उससे ज्यादा लोग प्रभावित हैं। दूसरी बात है कि छोटे दलों का भविष्य बिहार में न के बराबर अब सुरक्षित रह गया है। जिस प्रकार से मुकेश सहनी के पार्टी को तोड़ दिया गया, ओवैसी जी के विधायकों को छीन लिया गया, उपेंद्र कुशवाहा किस तरीके से पटाक्षेप में चले गए, तो बिहार में ऐसे कई राजनेता हैं जो अकेले खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने घूम रहे हैं। उनके साथ ना तो कोई विधायक है ना कोई सांसद है। चिराग पासवान का हश्र आपने देख लिया। अब आपके प्रश्न पे आता हूं कि बिहार की राजनीति कितना बदल जाएगी। तो देखिए, बिहार की राजनीति में अगर ध्यान से समझे तो जो दलगत अभी स्थिति है, उस दलगत स्थिति में कुछ भी होना संभव है। अगर महाराष्ट्र के उदाहरण से सीखा जाए तो बिहार तो बहुत आसान चारा बना हुआ है, क्योंकि सत्ता के लिए 121 विधायक, 122 विधायक चाहिए होंगे और 115 विधायक वर्तमान में आरजेडी के पास भी है। अगर दूसरी तरफ बात करते हैं तो बीजेपी जदयू के पास वर्तमान में 125 विधायक हैं। सत्ता में जो हैं और जो सत्ता से दूर हैं उनके बीच में मात्र 10 विधायक का फासला है। बिहार के राजनीति में कौन दल अपने विधायकों पे कितना भरोसा कर सकता है, यह तो आए दिन देखने को मिलता है। पिछले दिनों सबने देखा कि सत्ताधारी दल के विधायक विधानसभा छोड़ के बाहर निकल गए। ऐसा संभवतः पहली बार हुआ है कि सत्ताधारी दल के नेताओं को भी विरोध करने में सदन छोड़ना पड़ रहा हो। तो संख्या किसकी भारी है यह बिहार में कहना बहुत मुश्किल है। अभी कुछ भी हो सकता है, वक्त भी बहुत बचा हुआ है। 2025 में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में परिवर्तन संभव है मुकेश जी।